हरियाणा रोडवेज की बसें इन दिनों घाटे में चल रही हैं। दरअसल फरीदाबाद में रोडवेज की बसों को काफी नुकसान हो रहा है। अब इसके पीछे की क्या वजह है, हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। फरीदाबाद की बस डिपो में इन दिनों निजी बसों का बोलबाला है। निजी बस संचालक बसों को पहियों को डिपो से बाहरी जिलों में दौड़ाकर खूब कमाई कर रहे हैं, लेकिन निजी बस संचालकों की कमाई हरियाणा के परिवहन विभाग को भारी पड़ रही है। फरीदाबाद के बस डिपो में निजी बसें भरी होने के कारण यात्री तो निजी बसों में चढ़ जाते हैं, लेकिन इस कारण हरियाणा रोडवेज की बसें खाली रह जाती है। कई बार तो हरियाणा रोडवेज की बसों में नाम मात्र के यात्री ही सवार होते हैं, जिस कारण रोडवेज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि हरियाणा परिवहन विभाग इस नुकसान की भरपाई के लिए अब एक्शन मोड में आ गया है। बिल्कुल है, प्राइवेट बसें चल रही है, पर आने वाले समय हम 3 महीने में 809 बस हम देने जा रहे हैं। बसों की संख्या हमारे पास कम है और जल्दी से जल्दी हम 809 की संख्या पूरी करने जा रहे हैं और पूरे हरियाणा के हर डिपो में 40 बसें देने वाले हैं। और इस तरह जब बसें हमें पूरी हो जाएंगी, एक भी हरियाणा में एक भी, जो भी आज मैंने कहा है कि चालान करो, और नित कल भी मैंने चालान 40 बसों के कराए, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, पलवल, अम्बाला, मैंने रोज चालान है, फिर भी इस तरह की बसों के खिलाफ हम कार्रवाई। हालांकि बस डिपो में खड़ी बसों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाती है, बावजूद इसके निजी बस संचालकों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो बाज नहीं आते। वहीं परिवहन विभाग की ओर से हरियाणा रोडवेज में 809 नई बसें शामिल करने का फैसला लिया गया। परिवहन विभाग के इस फैसले के बाद यही माना जा रहा है कि बस डिपो में निजी बस की संख्या कम होगी और सरकारी बसों की संख्या बढ़ने से यात्रियों को फायदा पहुँचेगा। 809 बस आने दो, पूरा अंकुश लगा देंगे। 809 बस आने दो, पूरा अंकुश लगा देंगे। 809 बस आने दो, पूरा अंकुश लगा देंगे। अब परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की माने तो हरियाणा रोडवेज की बसें आने से इस समस्या का समाधान होगा और निजी बसों का बोलबाला कम होगा। हालांकि सरकारी बसों की संख्या बढ़ने से यात्रियों को भी काफी सहूलियत होगी, क्योंकि निजी बसों के मुकाबले सरकारी बसों का किराया कम होगा। मूलचंद शर्मा की माने तो हर डिपो में 40 बसें दी जाएंगी। अब परिवहन विभाग के इस फैसले से एक बात तो साफ है कि परिवहन विभाग निजी बसों को लेकर वाकई में गंभीर है। यही वजह है कि हरियाणा की सड़कों पर सैकड़ों बसों को उतारा जा रहा है। प्राइवेट बसों के कारण सरकारी बसों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का यही मानना है कि हर बस डिपो में सरकारी बसों की संख्या बढ़ने के बाद निजी बसों को होने वाला मुनाफा सरकारी बसों का को होगा। लेकिन क्या परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की बातें सही साबित हो पाएंगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।